इसके बाद मैं आपके लिए मोहल्ला मोहल्ला साफ सुथरी मैं अभी जगह पर ले गई इस बात को बता देता हूँ कि वो आए और अपना नाम पेश करें। इसीलिए
ये बात कही गई कि हजरत हवा नापाक हो गई, हजरत आदम को बहकाने की वजह से या अपनी बातों में फंसने की वजह से, लिहाजा अब इस औरत के पेट से जो भी जन्म लेगा वो पापी होगा। इसी को क्या बोलता है, मौत है जो नापाक से पाक को निकाले, यानी औरत के पेट से कोई भी पाप नहीं निकल सकता, जो भी होगा वो नापाक होगा या पापी होगा। इसी वजह से ये कितना बयान सफर है औरत के ताल्लुक से आप समझ सकते हैं कि ईसाइयत औरत को पैदाइशी दिन का नाम भी है मानती है। चुनांचे ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी जैसे कि अंथोनी है, जेरोम है, बर्नार्ड है, ये लोग औरतों के सिलसिले में क्या कमेंट करते हैं, क्या प्रचार करते हैं, वही कहता है कि औरत बीमार पुरुष शयातीन है, शैतान की जात, और वही कहता है औरत अक्लर है, तीन शिज्जत है, यानी औरत ऐसा बिच्छू है जो दंत मारने के लिए हमेशा तैयार है। ये तस्वीर आपके लिए कि ईसा ये कहकर औरत की क्या पोजीशन है। आइए एक और मजहब यहूदियत, उसके अंदर औरत की क्या हैसियत है। और यहूदियत के अंदर औरत शर्म की चीज है, औरत के वजूद को शर्म का पार समझा जाता है। चुनांचे यहूदी उलमा की ये थोड़ा लिखी हुई है यहूदियों की किताब में कि ओ अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा पाक है, तू बड़ा अच्छा है, कायनात के बादशाह तूने मुझे औरत नहीं बनाया, इसलिए ये बात हो रहा है। ये दुआ मकबूल है यहूदियत की किताब से। वो कहते हैं बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है अल्लाह तू कायनात के बादशाह, इसलिए तू बड़ा अच्छा है कि तूने मुझे औरत नहीं बनाया, अगर औरत बना देता तो मैं तो सर उठा के दे नहीं सकता। तो यहूदियत के अंदर औरत का वजूद भाई के शर्म में। इसी तरीके से बुद्धमत दुनिया का एक बड़ा मजहब है, जिंदा मजहब है। इस बुद्धमत के अंदर औरत की क्या पोजीशन है, बुद्धमत के अंदर ये तस्वीर है कि कोई दुनिया में इंसान अगर मुकम्मल इंसान बनना चाहता है तो उसे औरत से दूर होना पड़ेगा। कोई इंसान जब तक प्रसन्न बन नहीं सकता जब तक कि औरत औरतों से किनारे के लिए तैयार न कर ले। चुनांचे गोबर पुत्र जो बुद्धमत का पानी है उसका रहनुमा है, उसने जब नाम का रास्ता चुना, निर्वाण का रास्ता चुना, तो अपनी सारी बीवी को छोड़ दिया। यानी बुद्धमत के अंदर भी औरत अच्छी चीज नहीं है, औरत के साथ अगर मुकाबले हुआ कोई तो वो पूरा इंसान नहीं बन सकता, ये तस्वीर है औरत की बुद्धमत के अंदर। इसी तरीके से ईरानी और रोमी समाज के बहुत बड़ी हुकूमत रही है हमारे में, और इस समाज का आज की चर्चा है दुनिया में। ईरानी और रोमी समाज में औरत की क्या हैसियत थी, औरत को एक प्रॉपर्टी की हैसियत हासिल थी, यानी औरत को इंसानियत का दर्जा हासिल नहीं था, औरत एक चीज है। जिस तरीके से मार्केट
हुआ या इस्लाम की तस्दीक हुई और कुरान नाज़िल हुआ उस वक्त की तस्दीक को कुरान ने लिखा और कहा वल मौत तस्मीला के जिनका गाड़ी हुई रकम की गई 25 से पूछा जाएगा इस गुनाह की वजह से तुझे जितना जमीन के अंदर काट दिया गया इसको भोला है कुरान की सरकार में वही अरब के लोगों को जब बेटी की खबर मिलती कि घर में बेटी आई है बेटी की पैदाइश हुई है तो उस आदमी का चेहरा ताला पड़ जाता वो अपने आप को किया हुआ समझने लगता था वो शर्मा जाता था परेशान हो जाता वो खुद अपने दीन और अल्लाह के अंदर ढूंढने लगता था और वही करने कहता था कि तमाम लड़कों के लिए सुनी मानुष्य अभी लोग उसे चुना फिरता था खाना फिरता था ये तो बड़ी बुरी खबर मिल गई थे घर में बेटी पैदा हो गई और कहता था यूं से पूरा ना हूं क्या उसके साथ उससे सुलूक नहीं होता था आकर
इस करो मिलन से जिस करो मिलन निकाह सिवाय जिमा के। इस्लाम ने तस्वीर भी बयान की और औरत की इज्जत को भी बयान फरमाया कि अब के अपने लिए बात को मौजूद है ये गलत है कि हालत है कि औरत के साथ इस तरीके का सलूक किया जाए नहीं वो इस लायक नहीं है। कहते हैं कि है वो एक बारे में मजबूर है सबसे बेहतर को लगती यही है कि वो बोलने के लायक ना हो। इसी तरीके से औरत को यानी बीवी को कितनी बात वो अच्छा पैदा
खूबसूरत पैदा हुआ नहीं तो फकीर पैदा हुआ। तो ये सोचिए बीवी को किसी भी कारण के पास भेज देना ये औरत की कमी नहीं है, इस नाम के बाद में यह भी गलत। इसी तरीके से एक शक्ल और समाज के अंदर वो आपकी शक्ल अपने जुबान पर आया ऊपर अपना मुद्दत के लिए चाहे एक रात की बात हो चाहे एक महीने की बात हो चाहे एक साल की बात हो तारीख के साथ इतने दिन के लिए तक किया इतने दिन की बात छोड़ गए इस्लाम ने ये हराम कर दिया। इसी तरीके से एक निकाय शिकार हुआ था मेरी बहन तू अपनी बीवी बना रही से और तेरी बहन मुझे दे दे मेहर भर नहीं इस्लाम ने कहा कि ये भी गलत औरत की तौहीन है ये इस्तेमाल की चीज नहीं है औरत का इज्जत के साथ मौजूद है इस कायनात के अंदर लिखा था इस्लाम के सिर्फ और थे उसी शक्ल को आपके अंदर ने कहा था जिसमें औरत को इज्जत होती है कि औरत को मेहर मेहर करके बीवी बनाओ और एक लिमिट को मना करती कोई प्रभु देश नहीं इसको और थोड़ा मान लेता यानी
कर सके। अल्लाह के यहाँ किसी को कोई मकाम नहीं, कामना करने की वजह से या मां को औरत की वजह से इतना काम कि अल्लाह ने कहा अल्लाह के यहाँ आकर किसी को मकाम और मर्तबा हासिल है तो तकवा वाले को चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर मर्द तकवा इख्तियार नहीं करता तो वो नीचे गिरेगा, अगर औरत तकवा इख्तियार करती है तो औरत ऊपर हो जाएगी। और देखिए इसका कितना बेहतरीन भैया।